बड़ी खबरें इस बीच आपके सामने, जा देखिए किस तरीके से लगातार बिगड़ते हालात के बीच में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह दावा कर रही है कि भले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कस चुका है, लेकिन वो जेल से ही सरकार भी चलाएंगे। तो अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिन्होंने इस कानूनी शिकंजे को देखते हुए न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी भी सड़क से लेकर कानूनी पहलुओं तक हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त अरविंद केजरीवाल से हुई पूछताछ को लेकर, ये बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, ईडी के लॉकअप में मौजूद अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से शुरू हुए सवाल जवाब, वही दूसरी बड़ी खबर है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इन्हीं सवाल जवाब के बाद ईडी दफ्तर से सीधा उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा, जिसकी सीधी तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। वहीं थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी तीसरी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं प्रतिमा नजर हमारी है आम आदमी पार्टी के उस विशाल प्रदर्शन के ऐलान के बाद के हालात पर, क्योंकि खबरें इस बीच यही सामने आ रही हैं कि बीजेपी मुख्यालय का घेराव आम आदमी पार्टी करने वाली है। वहीं राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच सकते हैं। प्रतिमा, और इस बीच बड़ी खबर भी बता दे सुरभि आपको, जैसा कि अभी डेट दिया था कि बीजेपी मुख्यालय के घेराव की तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय का रुख करने के लिए कहा गया था, क्योंकि देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से कर ली गई है। अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है और वो देर रात से इसी ईडी निदेशालय के लॉकअप में मौजूद है, उसके बाद आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली उस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी मुख्यालय कि जो तमाम रास्ते हैं उन पर बैरिकेड्स लगा दिया गया। जितेंद्र, क्योंकि इस वक्त प्रतिमा हमारे साथ है, मुझे लगता है सबसे पहले उनसे इस बीच ये जान लेते हैं उनकी पेशी को लेकर फिलहाल क्या बड़ा अपडेट इस वक्त। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल से अब फिलहाल पूछताछ शुरू हो चुकी है। इसी ईडी दफ्तर के अंदर अरविंद केजरीवाल से इस टाइम जो जांच अधिकारी हैं इस केस से जुड़े वो पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल से जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक साउथ लोबी की तरफ से दी गई उसको लेकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस की मौजूदगी ईडी दफ्तर के बाहर देखी जा सकती है, अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक लीगल टीम ईडी की जांच अधिकारियों के साथ बैठकर इस वक्त एक रिमांड नोट तैयार कर रही है ताकि उसको अदालत के सामने कुछ देर बाद रखा जा सके। दोपहर तकरीबन 1 बजे अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर से निकालने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद उन्हें सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पीएमएल कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाएगा। और आज कम से कम 7 दिन की जो रिमांड है वो ईडी की तरफ से मांगी जाएगी, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। हालांकि ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आखिरकार कोर्ट उन्हें कितने दिन की रिमांड देता है और इस रिमांड के दौरान भी इस केस से जुड़े जो भी साक्ष्य या फिर कहें जो भी सबूत डिजिटल एविडेंसेज या फिर कागज के रूप में जो ईडी के पास मौजूद है, चाहे वो मनी ट्रेल हो, उन तमाम कागजों को सामने रखकर पूछताछ आज करी जाएगी अरविंद केजरीवाल से। और साथ ही रिमांड के दौरान यह भी कोशिश होगी ईडी की के जो इस केस से जुड़े अन्य किरदार हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाए। जी